नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो व्हाट इज कंप्यूटर पे देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ये डिस्क्राइब करूँगा कि एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है। जैसे मैंने फर्स्ट टू वीडियोस में ये बताया था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है और जनरेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो अब आते हैं, जब हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है। तो अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अगर आपको कोई भी इससे डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। तो व्हाट इज अप कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली द टर्म्स कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसका मतलब है कंप्यूटर शब्द होता है लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ये होता है कैलकुलेट। तो डेफिनेटली कंप्यूटर का जो मेन उद्देश्य था वो कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए। हमने हिस्ट्री में भी देखा कि कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था, जिससे ह्यूमन बींग को, यानी जो ह्यूमन बींग है यानी मानव है, उनके लिए ये सहूलियत हो जाए कि हम बिना मेहनत के हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशन पॉसिबल हो सके। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामिंगेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज एन इनपुट एंड प्रोसेस इट विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस रिजल्ट एज आउटपुट। इसका मतलब है कि सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि कंप्यूटर इज एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन के लिए हेल्प करता है और जिसके थ्रू, यानी ये प्रोग्रामेबल जो कंसेप्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि हम एक इनपुट देते हैं एज ए डेटा के फॉर्म में, रॉ डेटा के फॉर्म में इनपुट देते हैं और वो रॉ डेटा प्रोसेस होता है और उसके बाद जो होता है एज ए रिजल्ट जो होता है आपको मिलता है। ये जो रिजल्ट होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस and which is also a programmable electronic device. और third point में ये बताया गया है कि it skips output just after performing mathematical and logical operations. यानी ये जो हमने input दिया है और process हुआ, तो ये जो process हो रहा है इस process में हम mathematical and logical operation perform करते हैं। और third point में दिया बताया गया है कि the device also has memory. यानी ऐसा device, यानी electronic device बोल रहे हैं, तो ऐसा device जिसके पास memory होता है, जो data को store करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है और जो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलता है उसको भी स्टोर कर सकता है। तो यानी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और उसमें मेमोरी कैपेसिटी हो जो कि स्टोर करने का काम करता है। सो इट इज बिलीव दैट एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर एंड वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। मैंने हिस्ट्री में भी यही बताया कि जो चार्ल्स बेबेज 1837 में फर्स्ट एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए था। चार्ल्स बेबेज इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ द कंप्यूटर। हिस्ट्री में आपको पूरा बताया गया है। अब आते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। देयर आर द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्लेइंग देयर रोल्स टू सपोर्ट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका मतलब है, एक कंप्यूटर की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सामने आ जाता है जिसमें कि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट का अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को हम अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट से ही बने होते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी ये एक तरीके का हार्डवेयर कंट्रोल्स है, यानी हार्डवेयर डिवाइसेस है जो कि इनपुट पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये एग्जांपल्स हैं। इस तरह से एक सीपीयू यूनिट होता है, यानी ये अगेन एक दूसरा हार्डवेयर यूनिट होता है जो कि प्रोसेस करने के लिए काम होता है। यानी इनपुट यूनिट जो होता है रॉ डेटा को प्रोवाइड करता है और प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम है इसका। इसके तीन मेन सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, जो बीचों बीच जो शो किया गया है ये कंट्रोल यूनिट्स है। कंट्रोल यूनिट्स का जो जॉब काम होता है वो जो डेटा आता है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। तो जब वो प्रोसेस करना चाहता है तो उसको मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत पड़ती है और मेमोरी से डेटा को लेने की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद जैसे हमने देखा है कि कंप्यूटर का जो यूज होता है वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है। तो कैलकुलेशन मीन्स एरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन करना। तो इसलिए हमारे पास एक अलग सब यूनिट की जरूरत पड़ती है जो कि है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, प्योर इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स होते हैं जिसमें हम डेटा सेंड करते हैं, मेमोरी से लेकर डेटा एएलयू सेक्शन में भेजते हैं और एएलयू में परफॉर्म होने के बाद डेटा वापस मेमोरी यूनिट। और इन सभी ऑपरेशन को करने के लिए
हम कंट्रोल यूनिट का हेल्प लेते हैं, और फिर जब हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है और हमको एक आउटपुट मिल जाता है, तो उस आउटपुट को हम आउटपुट यूनिट के थ्रू सेंड कर देते हैं। तो आउटपुट यूनिट्स में जैसे आता है मॉनिटर्स आते हैं, यानी हम स्क्रीन में देख सकते हैं। सेकेंड जो होता है प्रिंटर्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, यानी हार्ड कॉपी के फॉर्म में होता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी यानी मॉनिटर, एक हार्ड कॉपी हम ये कर सकते हैं। और इसके बाद जो होता है एक और इम्पॉर्टेंट सेपरेट यूनिट्स होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये भी एक तरीके का मेमोरी होता है, बट ये फ्यूचर पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। इसके स्टोरेज डिवाइस हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, रिजल्ट जनरेट होता है, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे रॉ डेटा को भी हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने का मतलब है इन फ्यूचर हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और फिर यूजफुल रिजल्ट हम जनरेट कर सकते हैं। तो द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सीपीयू, यानी अब आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट में आ जाते हैं। तो जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, यानी सबसे पहला काम होता है सीपीयू का कि डेटा को एक्सेप्ट करना इनपुट डिवाइस से। फिर उसके बाद जो होता है दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो डेटा आपने एक्सेप्ट किया है इनपुट डिवाइस से उसको प्रोसेस करना, तो प्रोसेस द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी यूजर जो चाहता है उसके हिसाब से सीपीयू प्रोसेस करता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो इंस्ट्रक्शन यूजर खुद ही बना देता है इंस्ट्रक्शन की, इस ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो प्रोसेस होगा और हमको ये आउटपुट मिलेगा। और तीसरा जो होता है आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट इज ऑब्टेन, यानी जो भी प्रोसेस होता है तो एक रिजल्ट, यूजफुल रिजल्ट जनरेट होता है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको हम यूजर को सेंड कर देते हैं बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइस। और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि अगर हमको इसको फ्यूचर पर्पस के लिए यूज करना है तो इट स्टोर्स द डेटा फॉर द फ्यूचर पर्पस। अब आते हैं कि वर्किंग ऑफ जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है कंप्यूटर का वो कैसे होता है। जनरली हम एक इनपुट देते हैं, प्रोसेस करते हैं और एक आउटपुट आता है। सपोज कर लो ये तीनों प्रोसेस अगर सक्सेसफुली हो जाता है और यूजर को लगता है कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था वो सही है अकॉर्डिंग टू द जो इनपुट हमने दिया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोज कर लो उसका इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर नहीं है, तो फिर वो जो आउटपुट है वो वापस फीडबैक हो जाता है, यानी वापस इनपुट पर्पस में चले जाता है और इनपुट से वापस हम प्रोसेस को करते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रायल एंड एरर के बेस पर हम इसको सुधार सकते हैं। तो ये कंप्यूटर इज नोन एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन, और इट टेक्स रॉ डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। आफ्टर इट टेक्स डेटा, इट प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन यूजिंग द यूनिट। इनपुट डिवाइस से रॉ डेटा लेता है, प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू जो होता है प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द या प्रिपेयर्ड बाय द जो हमारे यूजर होता है, जो प्रिपेयर करके रखता है उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है एज इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट डिस्प्ले टू द यूजर एंड स्टोर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो इस यूजर को डिस्प्ले कर देता है और अगर जरूरत पड़ता है तो हम उसको स्टोर भी कर देते हैं। सो जैसे कि हमने देखा इसमें कि स्टोर कर देते हैं, इसका मतलब है कि जो आउटपुट है आउटपुट से डेटा को हम स्टोर कर देते हैं और वही डेटा बाद में यूजफुल होता है किसके लिए, इनपुट के लिए। तो इसका मतलब है आउटपुट डेटा को हम इनपुट पर्पस के लिए भी बाद में यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोरेज डिवाइस। कंपोनेंट्स में सबसे पहला होता है इनपुट, जैसे मैंने बताया कि इनपुट का काम ही होता है कि इनपुट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारे आते हैं। द रोल ऑफ एन इनपुट इज टू गिव डेटा टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को डेटा देना होता है। ए कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ क्लिक्स, तो इसका मतलब आ जाते हैं कि ये इनपुट किस फॉर्म में होता है। तो ये इनपुट जो होता है कीबोर्ड के थ्रू एज अ सिग्नल फॉर्म में आता है, या क्लिक के माध्यम से आता है, या ड्रैग्स एंड ड्रॉप करते हैं जैसे कि विंडोज में होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये भी एक इनपुट होता है एक तरीके से। पॉइंटिंग भी एक इनपुट होता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट जो होता है डिफरेंट फॉर्म में हमको मिलता है। इट कैन बी आइदर ए डेटा और एन इंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब है इनपुट का मतलब ये नहीं होता है कि वो डेटा होगा। इनपुट का मतलब जो होता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्लिक्स, ड्रैग्स एंड ड्रॉप्स, पॉइंटिंग हो सकता है, या फिर इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस मतलब जो हमारे पास प्रोग्राम्स बनाए होते हैं यूजर के थ्रू वो हो सकता है। द कीबोर्ड इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस दैट गिव्स डेटा एज इनपुट टू द कंप्यूटर, व्हेयर माउस यूजुअली गिव्स द इंस्ट्रक्शन थ्रू द क्लिक्स। जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम कैरेक्टर सेंड कर सकते हैं और माउस के थ्रू क्लिक्स सेंड कर सकते हैं,
तो ये भी एक इनपुट है। प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है, मैंने आप ऑलरेडी पहले बता दें, प्रोसेसिंग यूनिट तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सीयू पार्ट होता है, यानी सेंट्रल यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू बोलते हैं। और मेमोरीज में जो होता है, हम अगर हम थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं तो मेमोरीज में रजिस्टर्स मेमोरीज होते हैं और रैम मेमोरीज होते हैं। तो रजिस्टर मेमोरीज एंड इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। यानी रजिस्टर मेमोरी का मतलब है ये, उसके पर्पस बाद में इसको और एक्सप्लेन किया गया है कि मेमोरीज किस तरह से होता है। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम्स। आफ्टर द इनपुट डिवाइस प्रोवाइड रॉ डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम्स, तो सीपीयू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, जैसे कि सीपीयू मैंने पहले ही बताया था, सीपीयू जो होता है कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है बाय यूजिंग एएलयू सेक्शन, एरिथमेटिक एंड लॉजिक, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एसरा, और उसके उसके बाद जो होता है, जो रिजल्ट आता है उसको जनरेट कर देता है और आउटपुट में भेज देता है। सीपीयू कैन ऑल्सो एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सीपीयू की एक होता है कि ये इनपुट से ही डेटा नहीं लेता, एज वेल एज ये सेकेंडरी स्टोरेज में जो हमने डेटा पहले से रखा हुआ है उसको भी रिट्रीव करता है, यानी उससे भी डेटा लेता है। तो टू कैरी आउट एनी ऑपरेशन द सीपीयू असाइन टेक्स्ट टू द इट्स कंपोनेंट, तो इसका मतलब है कोई भी ऑपरेशन होता है, तो कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना होता है तो सीपीयू ही उसको असाइन करता है और उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और आउटपुट रिजल्ट जनरेट होता है। सो प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे मैंने बताया कि एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स होते हैं। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स जो इसका होता है, ये पर्टिकुलर जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। व्हेन द कंट्रोल यूनिट इनकाउंटर इंस्ट्रक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग लॉजिकल एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा, इट पासेस दैट इंस्ट्रक्शन टू एएलयू। तो इसका मतलब है जब कंट्रोल यूनिट, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सीपीयू होता है वो डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भी इनपुट में एज ए इनपुट लेता है। तो सपोज कर लो अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो होता है कंट्रोल यूनिट रीड करता है, यानी उसको पता चलता है कि मेरे लिए एक इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन में लॉजिकल ऑपरेशन या फिर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर उस हिसाब से वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अगर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और सपोज कर लो कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करना आता है, तो फिर वो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेशन जो होता है उसको परफॉर्म करना आता है। एज वेल एज जो होता है जो बुलियन ऑपरेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और एंड एंड नॉट ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। डेटा ऑन विच एएलयू परफॉर्म ऑपरेशंस आर फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, तो इसका मतलब है ये जो दो टाइप के ऑपरेशंस है इसको परफॉर्म करने के लिए जो डेटा है उसको वो मेमोरी से, यानी जो प्राइमरी मेमोरी होता है उससे वो मेमोरी यूनिट से डेटा को लेता है। आफ्टर द प्रोसेसिंग कंप्लीट द इंफॉर्मेशन और द रिजल्ट इज सेंड बैक टू द स्टोरेज ऑन, तो इसका मतलब है जब प्रोसेसिंग हो जाता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस में एज वेल एज अगर जरूरत पड़ता है तो स्टोरेज डिवाइस में उसको सेंड कर देता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो मेन जॉब होता है, कंट्रोल यूनिट्स अनदर पार्ट ऑफ, जैसे हम आ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, उस तरह से कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। तो कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है कंट्रोल्स द अदर पार्ट, यानी जो भी अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे इनपुट पार्ट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, अदर जैसे मेमोरी यूनिट होता है, एएलयू यूनिट, इन सबको कंट्रोल करने का काम सीयू का होता है। तो इट सुपरवाइज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। द कंट्रोल यूनिट एक्ट एज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन होता है जो कि सारे बॉडी पार्ट्स को हैंडल करता है, उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एंड कंट्रोल द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलता है उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता है, यानी सारा ऑपरेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ सीयू ही होता है। तो इट फेच द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम, तो इसका मतलब है कंट्रोल यूनिट का काम होता है, तो कंट्रोल जो होता है वन बाई वन डेटा को मेमोरी से फेच करता है एज ए इंस्ट्रक्शन, एज ए डेटा फेच करता है, फिर अगर इंस्ट्रक्शन हुआ तो उसको एग्जीक्यूट करता है और देखता है कि उसका क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंट्रोल यूनिट जो ऑल्सो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। So, जैसे मैंने बताया, अब आ जाते हैं आउटपुट कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी आउटपुट कंपोनेंट अगर हम देखते हैं, द आउटपुट ऑफ यूनिट कंप्यूटर सिस्टम्स आर द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट शोज आउटपुट टू द यूजर्स आइदर इन हार्ड कॉपी, जैसे पहले ही बताया था। उस तरह से आफ्टर सीपीयू कंप्लीट द प्रोसेसिंग ऑन द डेटा द आउटकम्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑल्सो नोन एज आउटपुट, तो यानी प्रोसेस होने के बाद जो डेटा जनरेट होता है एज अ रिजल्ट उसको आउटपुट डिवाइसेस में होता है। और आउटपुट यूनिट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द रिजल्ट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, यानी आउटपुट यूनिट का जो मेन काम होता है कि जो भी डेटा उसको मिलता है एज ए रिजल्ट के फॉर्म में
उसको ह्यूमन रीडेबल यानी ह्यूमन उसको समझ सके उस अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करता है। मेमोरी यूनिट में हम देखेंगे कि जिस तरह से मैंने बताया कि डिफरेंट पार्ट यूनिट्स होते हैं यानी जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। तो मेमोरी यूनिट जो होता है नेक्स्ट पार्ट में आता है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज व्हाट प्रोवाइड्स द डेटा दैट सीपीयू नीड्स टू नीड्स फॉर प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब है जो सीपीयू को प्रोसेस करना होता है तो वो जो डेटा होता है उसको वो मेमोरी यूनिट से ही मिलता है। यानी मेमोरी यूनिट जो होता है उस डेटा को स्टोर करके रखता है जो कि इनपुट डिवाइस से आता है। फिर जब वो प्रोसेस पार्ट में आता है तो सीपीयू को जब उसको प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है तो वो डेटा मेमोरी यूनिट से लेना पड़ता है। तो इसका मतलब उसको इनपुट डिवाइस से ना लेके उसको मेमोरी यूनिट से लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट डिवाइस से डेटा डायरेक्टली सीपीयू में ना जाके पहले वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। फिर देयर इज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका मतलब है कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी है यानी ऑल टाइप ऑफ मेमोरी को हम दो ही कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन एक्चुअली जो हम देखते हैं तो हमारे पास तीन कैटेगरी की मेमोरी होता है। एक मेमोरी होता है वो इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वो जब कंप्यूटर जब जनरेट बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को जब डिजाइन किया जाता है तो उसी समय वो मेमोरी उसमें स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो होता है उसकी जरूरत नहीं होती है तो उसको जानने की जरूरत। इसीलिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में ही इसको डिफाइन किया गया है। The primary memory holds the data so that CPU can process it. इसका मतलब है जो मैंने अभी बताया कि data जो input device से जो data memory में store होता है वो actually primary memory होता है जिसको हम लोग random access memory के नाम से भी जानते हैं। उसमें data होता है और उसी से data लेके CPU उसको process करता है। The data that CPU process should be pulled to primary memory for secondary storage device. तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं जैसे हमने बात किया कि input device से data प्राइमरी मेमोरी स्टोर होता है उसी तरह से अगर हमको सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को रीड करना होता है तो वो पहले वो प्राइमरी मेमोरी स्टोर होता है उसके बाद सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है। यानी डायरेक्टली कोई भी डेटा सीपीयू में प्रोसेस नहीं होता है, वो मेमोरी सीपीयू हमेशा मेमोरी से ही डेटा को लेता है। इस तरह से अगर हम स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं यानी जो नेक्स्ट पार्ट होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्टोरेज यूनिट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया कि एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम में होता है, ये फोर्थ नंबर पार्ट में आता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके रख सकता है। स्टोरेज यूनिट्स और द सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को हम एक सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। सो इज ए नॉन वॉलेटाइल डिवाइसेस दैट होल्ड्स प्रोग्राम्स फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है एक वर्ड यूज हुआ नॉन वॉलेटाइल। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे थे वो वॉलेटाइल टाइप की होती है यानी उसमें डेटा तब तक रहता है जब तक हमारे पास करंट का फ्लो रहता है। यानी करंट जब तक रहता है तब तक जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो उसके अंदर की जो डेटा होती है वो डिलीट हो जाती है। बट नॉन वॉलेटाइल के केस में जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी यूज स्टोरेज डिवाइस जो नॉन वॉलेटाइल होता है, ये नॉन वॉलेटाइल जो भी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं या जो भी डिवाइसेस होते हैं उसमें डेटा जो होता है फ्यूचर में स्टोर रहता है। यानी ये जो होता है ऑफलाइन भी अवेलेबल रहता है, यानी ये ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन भी अवेलेबल रहता है। यानी इसमें बिजली हो तो ही डेटा रहेगा ऐसा नहीं है, बिजली नहीं भी हो तो भी ये डेटा को स्टोर करके रखता है। तो इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू स्टोर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो यानी अगर हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी जो स्टोरेज होते हैं यानी प्राइमरी मेमोरी से इसकी जो क्षमता होती है स्टोरेज क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, इसमें बहुत ज्यादा हम डेटा को रख सकते हैं। तो सीपीयू एग्जीक्यूट द डेटा स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस इनडायरेक्टली स्टोर कर सकता है, जो भी है डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली कर सकता है। द डेटा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रैम फर्स्ट एंड आफ्टर एन एग्जीक्यूशन द डेटा कैन बी अगेन रिटर्न टू द स्टोरेज यूनिट। तो इसका मतलब है कि जो भी डेटा होता है वो पहले रैम में ट्रांसफर होता है, जो भी ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन होने के बाद वापस डेटा रैम में ही स्टोर होता है, फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूशन हो जाता है कंप्लीट तो रैम से वो डेटा उठा के इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट जो होता है हम स्टोरेज यूनिट में रख देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमने देखा इनपुट डिवाइस होते हैं, उसके बाद हमने देखा सीपीयू डिवाइस होता है,
सीपीयू में हमने देखा कंट्रोल यूनिट्स एक पार्ट होता है, उसके बाद हमने देखा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक पार्ट होता है। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स में हम जो भी एरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड मॉडुलस ऑपरेशन, ये परफॉर्म करते हैं। जो कंट्रोल यूनिट्स होता है वो ओवरऑल इंचार्ज होता है, यानी नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर होता है, यानी मेन ब्रेन होता है, जो सारे जो डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट, अदर पार्ट जो भी होते हैं, सारे को वो फॉलो करता है। तो सीपीयू जो होता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करता है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन वो ऑपरेशन करता है। तो और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सीपीयू जो भी एग्जीक्यूशन करता है तो वो जो डेटा होता है वो मेन मेमोरी से लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट्स होते हैं, उसके बाद देखा कि हमने मेमोरी यानी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जो मेमोरीज होते हैं प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज यूनिट जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो इस तरह से पूरा एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इन्हीं हार्डवेयर डिवाइस से मिलकर बना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप बिल्कुल मुझे शेयर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो इसको भी आप कमेंट्स में लिख के बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।